बीच बीच में मुझे मिलते रहना, बीच बीच में यहाँ आते रहना, बीच बीच में अंग्रेजी बोलते रहना। गैस इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, बीच बीच में इसके लिए इंग्लिश में यूज होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सेंटेंस, इसके बाद आपको लिखनी है फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। बीच बीच में खाते रहना, कीप ईटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप ईटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में चलते रहना, कीप वॉकिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप वॉकिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में यहाँ आते रहना, कीप कमिंग हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप कमिंग हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में मुझे मिलते रहना, कीप मीटिंग मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप मीटिंग मी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में अंग्रेजी बोलते रहना, कीप स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में उस पर नज़रें रखते रहना, कीप एन आई ऑन हर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप एन आई ऑन हर फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में खेलते रहना, कीप प्लेइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप प्लेइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में मोबाइल चलाते रहना, कीप यूजिंग मोबाइल फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप यूजिंग मोबाइल फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में हंसते रहना, कीप स्माइलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप स्माइलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में याद करते रहना, कीप रिमेम्बरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप रिमेम्बरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बीच बीच में वहाँ जाते रहना, कीप गोइंग फ्रॉम देयर टाइम टू टाइम, कीप गोइंग देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम।